इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 4 किसान, 1 पत्रकार व 3 भाजपा नेताओं की हिंसा के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें 4 किसान व 1 पत्रकार की बरसी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शामिल होने के लिए राकेश टिकैत तिकुनिया गुरुद्वारा पहुंचे व सभी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने ये भी बताया, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस घटना का न्याय अभी पीड़ितों को नहीं मिल पाया है। हमारे प्रोग्राम पूरे प्रदेश में है और हम जो मांग करेंगे उसमें लखीमपुरी खीरी की घटना के न्याय के लिए बात सर्वप्रथम रहेगी और ये बरसी हर साल इसी तरह से होगी और हम बरसी में शामिल होंगे और किसानों के हैं और किसानों के किसी अन्य प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन हुआ था, देखो दुखद घटना थी, एक हादसा है वो और सरेआम हुआ है, तो एक साल उस चीज को हो गया, उसमें 8 लोगों की हत्याएं के दोषी है, ये 8 लोगों की हत्याएं उसमें हुई, तो पूरा दोष वो मंत्री परिवार को जाता है। यहाँ पे उन परिवारों से आज मिल रहे हैं, आज जो वकील है उनसे मिले और हर साल ये प्रोग्राम होते रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिला था। क्या हम लोगों को जारी नहीं, 26 नवंबर के फिर हमारे प्रोग्राम में पूरे देश भर हर प्रदेश की राजधानी से, तो उसमें भी ये डिमांड नोट में लखीमपुर खीरी कांड है, तो जो भी डिमांड नोट जाएगा उसमें लखीमपुर खीरी का जिक्र जरूर है। अमूली बुरुआ भी आपको जाना था, वहाँ पे वो परिवार उनका चला गया था, तो ये बताया कि लखीमपुर चले गए, आज कोर्ट 9 बजे खुलेगी लखीमपुर। यहाँ पे आज बहुत लोग आ गए, तो वहाँ पे वहाँ जाना चाहते हैं। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेट।